हे फ्रेंड्स, मैं आरती शेयर करूँ आज आप सभी के साथ एक हेल्दी वेट लॉस सैलेड की रेसिपी, जो कि सुपर टेस्टी है, सुपर न्यूट्रिशियस है एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स है। ये सैलेड बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सी इंग्रेडिएंट चाहिए और इससे रिलेटेड कितनी कैलोरी है, प्रोटीन, फाइबर, सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो इस सैलेड में टोटल कैलोरीज है वो आपको 205 मिल रही हैं। दो लोग इसमें आराम से खा सकते हैं और अगर सिंगल पर्सन भी खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं, डिनर में भी आप इसको ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने खाने से पहले इसको ले लें तो आप उसके अकॉर्डिंग खाना थोड़ा कम खाएंगे और आप इसे स्नैक्स की तरह भी ले सकते हैं। तो बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये वेट लॉस सैलेड मैं खीरे का इस्तेमाल करके बना रही हूँ, जो कि गर्मियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और ये आपको वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें मैं जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही हेल्दी और अच्छी सी रेसिपी है ये। तो यहाँ पर मैंने ये 350 ग्राम खीरा लिया है, ये 370 ग्राम है, थोड़ा थोड़ा सा भी हम कट करेंगे तो करीब 350 ग्राम के आसपास ये खीरा बचेगा। बाकी यहाँ पर जो भी मैंने सामग्री ली है मैं आपको बारी बारी से बताती जाऊँगी जो भी डालूंगी। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, खीरे को हम कट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ये दोनों साइड से हमको थोड़ा थोड़ा सा निकाल देना है और इसके बाद हमें इसकी इस तरीके से स्लाइसेस कट करनी है। बहुत ही पतली स्लाइस नहीं कट करनी है, ना ही बहुत ही मोटी स्लाइस आपको कट करनी है, ये देखिए। और इस सैलेड को बनाने के लिए आपको जो खीरे हैं वो इसी तरीके से छोटे साइज के लेने हैं, बहुत ही बड़े बड़े खीरे आप इस सैलेड के लिए ना लें। तो इस तरीके से मैं सभी खीरे को कट कर लूँगी। खीरा हमें हाइड्रेट रखता है, इसमें काफ़ी पानी की मात्रा होती है और ये वेट लॉस में काफ़ी इफेक्टिव है। गर्मियों के लिए तो ये रामबाण का काम करता है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर दो खीरे मैंने कट कर लिए हैं और ये तीसरा मैं कट कर रही हूँ। तो आप 350 से 400 ग्राम तक खीरा अगर दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह के खीरे में क्या होता है कि जो बीजे होते हैं ना वो ज़्यादा मतलब बड़े बड़े नहीं होते, थोड़े छोटे छोटे ही होते हैं, तो इसलिए ये वाले खीरे सैलेड के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने खीरे को अच्छे से कट कर लिया है। तो इस सैलेड को बनाने के लिए हमें लेना है एक अलग से कंटेनर और उसके अंदर सबसे पहले हमें खीरे को ट्रांसफ़र करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँ ये 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर, जो कि वेट लॉस में काफ़ी इफेक्टिव होता है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना चाहते हैं या आपके पास नहीं है या आपको कोई से प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर ताजे नींबू का रस ऐड कर सकते हैं या फिर आप सफ़ेद वाला सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है ये हनी। तो हनी यहाँ पे आप एक छोटा चम्मच से एक बड़ा चम्मच तक ऐड कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है, मुझे पसंद है सैलेड में इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और अगेन, हनी भी हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्किन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे सैलेड में ग्लॉसी लुक आता है और ये काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम मैंने यहाँ पे सोया सॉस लिया है। अब हमें इसमें ऐड करना है हमारा मेन इंग्रेडिएंट, वो है ये गार्लिक लहसुन। तो यहाँ पे आपको लहसुन को या तो ग्रेट करके लेना है या फिर आप अच्छे से इसको क्रश कर लीजिए, जिसमें हम अदरक को कूटते हैं ना उसमें डालकर। तो ये आप आधा बड़ा चम्मच से एक बड़ा चम्मच तक ले सकते हैं। यहाँ पे जितने भी मैं इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ उससे रिलेटेड कैलोरी और सारी चीज़ों के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक कीजिएगा। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, करीब 2 चुटकी है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हेल्दी फैट्स के लिए यहाँ पे सफ़ेद वाली तिल, इसको आपको भून कर ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच और ये हमारे सैलेड में बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आएगा और ये आपको ज़रूर से ऐड करना है। अगर आप ये खीरे का सैलेड बना रहे हैं तो अमेजिंग फ्लेवर आएगा, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से आपको हेल्दी फैट्स मिल जाएंगे। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। बाकी मैंने यहाँ पे ये प्याज ली है जो कि ऑप्शनल है, मेरे को पसंद है सैलेड में इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। एक छोटी प्याज है, इसकी कैलोरी मैंने काउंट नहीं की है, अगर आपको मैं बता दूँ तो एक छोटी प्याज में करीब 25 कैलोरी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज सिर्फ ऐड करी है। थोड़ी सी मैं पुदीना पत्तियाँ ले रही हूँ, करीब 10-12 पुदीना पत्ती हैं,
इनको हल्का सा इस तरीके से क्रश करके ऐड करेंगे। और मैं ऐड करूँ यहाँ पे ग्रीन चिली, थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ गार्निशिंग के लिए, और मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड किया है, साथ में मैंने रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड की है। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, तो 2 स्पून लीजिए और इसकी मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो हमारा बहुत ही यमी टेस्टी हेल्दी सा सैलड बनकर तैयार है, जो कि एकदम परफेक्ट है लंच के लिए, डिनर के लिए, और आप इसको स्नैक्स की तरह भी ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसको अपने लंच में कर रहे हैं तो आपका पेट भी बहुत ही अच्छे से भर जाएगा, और गर्मियों में हल्का फुल्का खाना खाना काफ़ी सही रहता है। तो ये सैलड गर्मियों के लिए बहुत ही परफेक्ट है, आप इसे अपने लंच में एक प्रॉपर मील की तरह ले सकते हैं, जो कि लो इन कैलोरी है। आपको प्रोटीन इस पूरे सैलड में 5.2 ग्राम मिल रहा है। अगर आप इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऊपर से रोस्टेड पीनट्स ऐड कर सकते हैं। अभी जब मैं गार्निश करूँगी तो आपको मैं सर्व करके दिखाऊँगी। और एक बड़े चम्मच रोस्टेड पीनट्स में 51 कैलोरीज होती हैं, 2.3 ग्राम के आसपास उसमें प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा सैलड, बहुत ही यम्मी और बहुत ही प्यारी सी इससे खुशबू भी आ रही है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो इसमें कुछ फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अनार हो गया, अंगूर हो गया। मैं आपको एक खाकर बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बिलीव मी गाइस, सुपर टेस्टी ये सैलड की रेसिपी है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी, बच्चों को भी ये पसंद आएगी, और ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है। अगर आपके घर में खीरा हो तो आप इस सैलड को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमारा बेहद यमी टेस्टी और हेल्दी सा खीरे का सैलड बनकर तैयार है, जो कि सस्ता है, टिकाऊ है, मतलब कि लो बजट है, और इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट का यूज़ करके मैंने ये सैलड बनाया है। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस सैलड को आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर फिनिश कर लें, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है, सिरके का यूज़ किया है, जिसकी वजह से खीरा बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। तो इसको जितनी जल्दी हो सके आप ख़त्म कर लें, या फिर आप सिरका और जो नमक है वो खाते वक्त इसमें स्प्रिंकल करके खाएं। तो मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।